हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू करने जा रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और आखिरी में प्लीज अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहूँ। चलिए शुरू करते हैं, कुछ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कर लें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेंगे, और ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के लिए आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो क्या कहते हैं फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने उसको बोरो करा था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसने जो है उसे बोरो करा था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। मतलब उन्होंने जो है आयरिश वालों ने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और हम लोगों ने कॉपी करा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, ये बात कहता है कि स्टेट को ध्यान में रखना चाहिए अपने कि जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाए या कोई भी एक्ट या कोई लॉ पास करे तो उसको ये सारे चीजों ये सारे DPSP को अपने ध्यान में रखना चाहिए, और उसमें उन लॉज का जरूर यूज करना चाहिए, इन DPSP का यूज जरूर करना चाहिए अपनी पॉलिसी और लॉज में। ठीक है, अब हम आर्टिकल अगर 36 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 36 जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन स्टेट की बताता है कि स्टेट होती क्या है। तो देखिए जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ भी सेम डेफिनेशन है आर्टिकल 36 के अंडर भी, तो पार्ट 4 में भी सेम ही डेफिनेशन है। जैसे कि वो स्टेट में यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि सारे के सारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंट्रल के या स्टेट गवर्नमेंट के, साथ ही साथ सारी लोकल अथॉरिटीज या कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज पूरे ही कंट्री की। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो रिजेंबल करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एनुमरेटेड थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, है ना। तो ये बात सारी हमने करी। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम को हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के, है ना। मतलब ताकि वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके, पॉलिटिकल स्टेट जो है ना हो, वेलफेयर स्टेट ज्यादा हो, लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अब आर्टिकल जो 37 है ना, तो ये कहता है कि जो प्रिंस मतलब ये खुद भी कहता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल के गवर्नेंस में हमारी कंट्री में, ये ड्यूटी है स्टेट की कि उन सारे प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई करें इन लॉ को बनाने में। ठीक है, हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है ना, इनको आप इन्फोर्सबल नहीं कर सकते लॉ के माध्यम से, लेकिन तब भी जो है अगर इसे आप लॉ बनाते वक्त आप इसको यूज करें, ये बात आर्टिकल 37 कहता है, ताकि अच्छे से स्टेट का वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है, आपको बताया, मतलब आप कोर्ट में कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता, आप कोर्ट के पास इसको अगर ये वायलेट होते हैं तो नहीं जा सकते। अब कुछ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तीन सेक्शन में क्लासिफाइड है, एक है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा है आपका गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे ये आर्टिकल 38 जो कि कहता है कि प्रमोट करो वेलफेयर हमारे लोगों का, पीपल का, सिक्योर करके उनको सोशल ऑर्डर जो कि परमिटेड होगा जस्टिस के द्वारा से, जस्टिस कैसी हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, और इनइक्वालिटीज को कम से कम कर दीजिए, चाहे वो इनइक्वालिटीज इनकम की हो, स्टेटस की हो, फैसिलिटीज की हो, या अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, अब आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 ये बात कहता है कि सिक्योर करो राइट एक एडुकेट मींस लाइवलीहुड का, अच्छे से लोग रहे, सारे सिटीजन अच्छे से रहें, एक सबको एक जैसी लाइवलीहुड मिले, है ना, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो मटेरियल्स का, रिसोर्सेज का, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो अच्छे से कॉमन गुड का, फिर प्रिवेंशन हो किसी भी कंसंट्रेशन का वेल्थ का, मींस ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से इक्वल प्ले हो, इक्वल वर्क के लिए, है ना, एक जैसा पैसा दिया जाए एक जैसे काम के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। ठीक है, हेल्थ वगैरह को प्रिजर्व करा जा सके और मजबूत करें हमारे वर्कर्स को, बच्चों को, है ना, जो कि जो है फोर्सिबल अफ्यूज के अगेंस्ट जो है वो एक अच्छे से उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, और अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट के लिए बच्चों की, आर्टिकल 39 ने ये बात कह दी। अब आर्टिकल 39 ए कहता है कि प्रमोट करा जाए इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री लीगल एड को गरीब लोगों को। ठीक है, फ्री लीगल एड दी जाएगी गरीब लोगों को। आर्टिकल 41 ये बात कहता है कि सिक्योर करे राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में, ओल्ड एज या सिकनेस या डिसेबलमेंट के केसेस में। उसके बाद आर्टिकल 42 कहता है कि
प्रोविजन बनाई जाए जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस के लिए वर्क की और मैटरनिटी रिलीफ की, और आर्टिकल 43 ये बात कहता है कि सिक्योर करे लिविंग वेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ का और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज का सारे ही वर्कर्स के लिए। और आर्टिकल 43 ये कहता है कि स्टेप्स लिए जाए सिक्योर करने के लिए पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज की। और आखिरी में आर्टिकल 47 इसका 47 इसका ये कहता है, 43 और 43 ये मैंने आपको बता दिया, 47 ये बात कहता है कि रेस करो लेवल न्यूट्रिशन का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लोगों की इंप्रूव करने के लिए पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये आर्टिकल 47 तक हमने बात कर ली। अब गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे कि गांधीयन नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो है वो गांधी की आइडियोलॉजी को लेके दिमाग में रख के इसको गांधीयन प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो कि जो है रिप्रेजेंट करते हैं हमारा रिकंस्ट्रक्शन जो कि एनुंसिएट करा गया था गांधी जी के द्वारा। तो उनकी बात करें तो पहला है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है कि ऑर्गेनाइज करिए विलेज पंचायत का, है ना, और उनको नेसेसरी पावर्स वगैरह उनके हाथ में दी जाइए ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट की तरह। ठीक है, अब आर्टिकल 43 बात कहता है यहाँ पे कि प्रमोट करो कॉटेज इंडस्ट्रीज को, चाहे वो इंडिविजुअल चलाए या कोऑपरेशन से चलाए रूरल एरियाज में। आर्टिकल 43 बी ये बात कहता है कि प्रमोट करो वॉलंटरी फॉर्मेशन को, ऑटोनोमस फंक्शनिंग को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोट करो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एससी एसटीज के और कुछ दूसरे वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के, और प्रमोट उनको प्रोटेक्ट करो सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद आर्टिकल 47 ये बात कहता है कि प्रोहिबिट करो कंजम्पशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का और ड्रग्स का जो कि इंजीरियस है हमारी हेल्थ को। और आखिरी में 48 ये बात कहता है कि प्रोहिबिट करो स्लॉटर काउस का, आप गाय को, काव्स को या दूसरे मिल्स या ड्रॉट कैटल को जो है वो स्लॉटर उसका उनको काटने से रोको और उनकी उनकी ब्रीड्स को जो है वो इम्प्रूव करो। फिर आखिरी में आपका जो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है उसमें आर्टिकल 44 क्या बोलता है कि सिक्योर करो सारे सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कंट्री में। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोवाइड करो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सारी बच्चों के लिए जब तक कि वो 6 साल की एज नहीं अटेंड कर लेते। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइज करो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। आर्टिकल 48 ए कहता है कि प्रोटेक्ट करो और इम्प्रूव करो इन्वायरमेंट को और सेफगार्ड करो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, है ना। और आर्टिकल 49 बोलता है कि प्रोटेक्ट करो मॉन्यूमेंट्स वगैरह को, है ना, वो मॉन्यूमेंट वैसी प्लेसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज़्यादा है, उनको प्रोटेक्ट करो। आर्टिकल 50 ये बात कहता है कि सेपरेट करो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विस में स्टेट की। और आखिरी में आर्टिकल 51 ये बात कहता है कि प्रमोट करो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटीज को और मेंटेन करो जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन नेशंस के बीच में ताकि अच्छे से रिस्पेक्ट हो इंटरनेशनल लॉ की और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की, साथ ही साथ इनकरेज करा जा सके सेटलमेंट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन के द्वारा। ठीक है, अब हम देखें न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आए हैं उनके बारे में बात करें तो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके द्वारा 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड करा गया था ओरिजिनल लिस्ट में। आर्टिकल 39 ऐड करा गया था जो सिक्योर करा था अपॉर्चुनिटीज हेल्थ और डेवलपमेंट की बच्चों के लिए। आर्टिकल 39A ने प्रमोट करा इक्वल जस्टिस और प्रोवाइड करा फ्री लीगल एड गरीबों के लिए। आर्टिकल 43A जिसमें कुछ स्टेप्स लिए गए सिक्योर करने के लिए पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज की। और आर्टिकल 48A की बात करी जो प्रोटेक्ट कर रहा था और इम्प्रूव कर रहा था इन्वायरमेंट और सेफगार्ड कर रहा था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। अच्छा, जो हमारा 44th अमेंडमेंट आया 1978 का, उसने एक और आर्टिकल ऐड करा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो रिक्वायर कर रहा था कि स्टेट जो है वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस और फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में। ये बात आर्टिकल 38 लेकर आया था। अच्छा, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने चेंज करा सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का और बनाया एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसको जरूरत थी स्टेट को कि वो प्रोवाइड करे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सारे बच्चों के लिए जब तक के लिए वो 6 साल की एज नहीं अटेंड कर लेते। जो 97 अमेंडमेंट था 2011 का, उसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा जो कि रिलेट था कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, जिसको जरूरत थी स्टेट को कि प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ये बात आई आर्टिकल 43B के अंदर। अच्छा, अब देखिए सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो
बहुत सारी बातें हैं जो हमारे फ्रेमर्स हैं उन्होंने बनाया कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नॉन जस्टिसिएबल। उसका रीजन क्या था कि कंट्री जो है वो उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंड बात ये थी कि हमारे पास इतनी बड़ी डाइवर्सिटी थी और बैकवर्डनेस थी कि वो रास्ते में आ रहे थे इनके इम्प्लीमेंटेशन के। और आखिरी बात ये थी कि जो नया नया बॉन्ड हुआ था इंडिपेंडेंट हमारी इंडियन स्टेट है ना, इसमें जो है वो कई सारे प्री ऑक्यूपेशन थे जो कि क्रश्ड हो जाते उस बर्डन के अंदर जब तक के लिए ये फ्री ना होता डिसाइड करना इस ऑर्डर को, टाइम को, या प्लेस को, या मोड को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया रिफ्रेन करने के लिए एक बैटरी प्रिंसिपल्स को, और ये बिलीव कर रहे थे कि ये जगाएंगे एक पब्लिक की ओपिनियन रादर देन कोर्ट प्रोसीजर, है ना। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, चलिए तो क्रिटिसिज्म में देखिए साफ साफ है कि नो लीगल फोर्स। सबसे बड़ा बात ये कि बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने इसे क्रिटिसाइज करा कि इसका कोई भी लीगल फोर्स नहीं है। केटी शाह ने तो ये तक कहा कि ये पायर सुपर फ्लूटस है, मतलब अगर कंपेयर करा इनको एक चेक से जो कि बैंक का चेक है, और ये तभी पेएबल होगा जब बैंक परमिट करेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं, इस बात पे कहा गया। इलॉजिकली अरेंज करे गए हैं, ये भी कहा गया कि इसमें कोई लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे कुछ भी डाल दिया गया है। कंजर्वेटिव है, मतलब ये पुरानी सोच को लगते हैं, 19th सेंचुरी को लेके चलते हैं, और ये अच्छी मॉडर्न सोच को नहीं लेके चल रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोगों का ये कहने था कि ये सेंटर और स्टेट और गवर्नर और आपका चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट भी ला सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी की तरफ। तो यूटिलिटी जरूरत क्या है? जरूरत ये है क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप ये समझिए कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना। और ये जो है वो इससे जो है ये हेल्प करते हैं कोर्ट्स को एक्सरसाइज करने में उनकी पावर जुडिशियल रिव्यू की, है ना। ये एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड बनाते हैं सारी स्टेट एक्शन में, है ना। ये एम्पलीफाई है प्रियम्बल में भी, और ये कई सारे रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ये फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, या सोशल स्फीयर हो, सारे ही चेंजेस हो, चाहे जो भी पार्टी आए ये सेम रहेंगे, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सिटीजन्स के लिए। इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बनाता है एक फेवरेबल एटमोसफेयर फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट के लिए पब्लिक राइट्स की सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है। ये इनेबल करते हैं ऑपोजिशन को कि वो एक्सरसाइज कर सकता है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कर सकता है ऑपरेशंस जो है गवर्नमेंट के उसके ऊपर। ये सर्व करे गए हैं क्रूशियल टेस्ट के तौर पे परफॉर्मेंस के लिए गवर्नमेंट की, और ये सर्व करते हैं कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एक रूलिंग पार्टी का, चाहे वो जैसी भी हो। अच्छा, अब कन्फ्लिक्ट की बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो देखिए कोई भी पहली चीज तो यही बात हो गई कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इन्फोर्स इन्फोर्स हैं, और कई सारी जगह पे ये कन्फ्लिक्ट अराइज इसलिए हो जाता है कि जैसे कि ये इन्फोर्सेबल हैं ये नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ये नहीं जा सकते हो, वो इंडिविजुअल को लेते हैं वो नहीं लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं फंडामेंटल राइट्स और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, है ना। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक स्पेसिफाइड आर्टिकल 39 B या C के अंदर, तो कुछ भी ऐसा वॉइड नहीं होगा। अगर आपने नहीं करा है तो नहीं जो है कोई आपका लॉ वाइड वॉइड नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक तरह से बताए गए हैं कि आप इसको जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस की अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट देखिए नेगेटिव है क्योंकि ये रोकते हैं स्टेट को कुछ चीजें करने से, वही जगह पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव है क्योंकि वो अलाउ करते हैं स्टेट को। फिर आपको पता ही है फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल है, वही जगह इसके विपरीत डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसिएबल नहीं है और ये लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का एम होता है एस्टैब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमारे कंट्री में, वही जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल सेक्शन है, वही जगह पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। फंडामेंटल राइट जहाँ पे प्रमोट करता है वेलफेयर इंडिविजुअल का और एक इंडिविजुअलिस्टिक है या पर्सनल है, वही जगह पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेलफेयर स्टेट की और कम्युनिटी की प्रमोट करते हैं और ये सोशलिटेरियन या सोशलिस्टिक है। फंडामेंटल राइट्स को कोई जरूरत नहीं होती किसी भी प्रकार के लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं, वही जगह पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जरूरत होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने लेजिस्लेटिव के, उसके बाद लेजिस्लेशन की। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कोर्ट को ये बाउंड है डिक्लेयर करने के एक लॉ को वायलेटिव अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड, है ना।
वही जगह पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो कोर्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी भी लॉ को वायलेटिव किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल या अनकॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, है ना। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने, उसके बेसिस पे आप किसी भी लॉ को इनवैलिड नहीं कर सकते। अब हम बात करें कुछ इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। तो प्लानिंग कमीशन जो, देखिए प्लानिंग कमीशन था वो आया जो 1950 में, उसका नीति आयोग बना, ऐसे बहुत सारे लॉज आए जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ हुआ। जैसे कि आपका आपका मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह, बहुत सारे एक्ट आए, है ना। फिर एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी वगैरह आया, फिर मेटर्निटी बेनिफिट वगैरह, बहुत सारे ऐसे एक्ट आए, कई सारे मेजर्स भी लिए गए यूटिलाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, है ना। अब आपका जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का, लीगल आपका सर्विसेज वगैरह अथॉरिटीज एक्ट जो आया था, फिर आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्ट, फिर बहुत सारे जो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने सेपरेट करा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, कई सारे नेशनल लेवल कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया प्रमोट करने के लिए सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस की, है ना। फिर आपका जो क्या कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आया था, फिर 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम आया था विलेज तालुका और जिला लेवल्स पे, सीट जो है रिजर्व करी गई SC ST के लिए। ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी बातें जो हैं वो DPSP को ध्यान में रख के ली गई हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्टिव्स ऑफ आउटसाइड, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। अच्छा मैंने वो बहुत ही डीपली नहीं बताया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको याद करने वाले सीन है, ऐसे एकदम से आपको एक बार बोलने से नहीं समझ में आएगा। फिर देखिए क्लेम्स, मतलब मूल्य मिली सब कवर कर दिया है, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। डायरेक्टिव देखिए आउटसाइड क्या है, पार्ट 4 के बाहर क्या डायरेक्टिव है, तो क्लेम्स ऑफ SCs एंड ST सर्विसेज। तो जो आर्टिकल 335 का पार्ट जो आपका 16 है ना, ये कहता है कि जो क्लेम्स है मेंबर्स के स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के, इसे लेना चाहिए कंसिडरेशन में, है ना। कंसिक्वेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज, जब भी सर्विसेज वगैरह कर रहे हो ले रहे हो तो क्लेम जो है मेंबर्स के SC और ST के वो जरूर कंसिडरेशन में लेने चाहिए। अच्छा सेकेंड बात क्या है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। तो आर्टिकल जो 350 A पार्ट 17 है, बात कहता है कि हर स्टेट को, हर लोकल अथॉरिटी को ये इंडेवर, मतलब ये है इसकी वो है, उसका हक है कि वो, मतलब उसका फर्ज है कि ये प्रोवाइड करे एडिक्वेट फैसिलिटी इंस्ट्रक्शन के लिए मदर टंग में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में बच्चों को जो कि बिलोंग कर रहे हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से। और आखिरी बात क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आर्टिकल 351, मतलब 351 पार्ट 17 ये बात कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की प्रमोट करें स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज का और डेवलप करें इसे कि एन मीडियम ऑफ सर ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हमारा, हमने बात कर ली यहाँ पे कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के लिए जो है वो यहाँ पे DPSP को लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वेरी नाइस डे, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैनी पीपल कैन गेट दी प्रॉफिट ऑफ फ्री एजुकेशन। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज 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 शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव दीज वीडियोज ओनली फॉर यू। टेक केयर।